इंडिया इंडिया इंडिया। दोस्तों ये नया भारत है और ये नया भारत हारना नहीं जानता, ये घर में घुसकर हराना जानता है। दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि भारत की दो महिला प्लेयर ने एशिया कप में सबसे बड़ा उलटफेर किया है। दोस्तों वर्ल्ड चैंपियन को बाहर करके पक्का किया एक ऐतिहासिक मेडल। दोस्तों भारत ने इतिहास रच दिया है एक नया भारत। चाइना को उसके घर में जाकर टेबल टेनिस में उसे हराता है, वाकई में शानदार प्रदर्शन है। भारत की इस जोड़ी ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। दोस्तों हराया भी किसको, जो वर्ल्ड चैंपियन है, जो दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है, भारत की इस जोड़ी को वाकई में सलाम है। दोस्तों टेबल टेनिस में पावर हाउस माने जाने वाले चीन को भारतीय जोड़ी ने वाकई में घर में घुस कर हराया है। दोस्तों भारतीय जोड़ी ने मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन मैग चेन वो वांग को हराया है। जो मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन है उसको टीम इंडिया ने हराया है। भारत ने पहली बार एशियन गेम्स में इतिहास में विमेंस डबल्स में मेडल पक्का किया है। और दोस्तों ये महान कार्य करने वाली दो महिला हैं, एक का नाम है सुरेखा और अहिका मुखर्जी की भारतीय जोड़ी ने वर्ल्ड चैंपियन को हराया है। दोस्तों ये दोनों सुपरस्टार है और आप पर गर्व करते हैं हम पूरे देश, क्योंकि मेडल जीतना एक अलग बात है और सबसे बड़ी शक्ति से मेडल छीनना अलग बात है। दोस्तों वाकई में काबिल तारीफ है उनका ये प्रदर्शन। दोस्तों भारतीय जोड़ी ने मुकाबले में शुरुआत से ही आक्रामकता दिखाई थी और उन्होंने पहला गेम 11-5 के अंतर से जीता। पहले गेम में ही चीन की हार को देखकर जो घरेलू दर्शक थे वहां पर वो हैरान रह गए थे। एक तरह से भारत ने अपना दबदबा दूसरे गेम में भी जारी रखा और दूसरा गेम भी भारतीय जोड़ी ने 11-5 से जीता। हालांकि चीन भी इतनी आसानी से हथियार डालने वाला नहीं था, क्योंकि अपन जानते हैं दोस्तों चीन एक बहुत बड़ी महाशक्ति है और ये वर्ल्ड चैंपियन है। और तीसरे गेम में मैंग और वांग ने वापसी की और तीसरा गेम 11-5 से जीत लिया। हर भारतीय की नज़र चौथे गेम पर थी। दोस्तों हर भारतीय की नज़र चौथे गेम पर थी क्योंकि चौथे गेम में फाइनल डिसीजन होने वाला था। और दोस्तों चौथे गेम में दोनों के बीच कड़ी टक्कर हुई। एक एक पॉइंट के लिए भारत और चीन ने टक्कर दी, मगर सूरत ती था और अहिका ने कमाल करते हुए चौथा गेम 11-9 से अपने नाम करके ऐतिहासिक जीत हासिल की। सुरती था और अहिका ने 11-5, 11-5, 5-11, 11-9 से जीत हासिल करके सेमीफाइनल में जगह बनाई। एशिया गेम्स के इतिहास में पहली बार विमेंस डबल्स में भारत ने सेमीफाइनल में एंट्री की है। इससे पहले एक विमेंस डबल्स में क्वार्टर फाइनल भारत बेस्ट फिनिश था। इस जोड़ी के अलावा बाकी जितने भी टेबल टेनिस के जो प्लेयर्स थे वो एशिया गेम से बाहर हो गए। दोस्तों वाकई में काबिले तारीफ प्रदर्शन रहा है इन दोनों का, और जो भारत है वो भारत इन पर गर्व करता है। और इनकी ये जो जीत है, जिस तरीके से इन्होंने एक वर्ल्ड चैंपियंस को उनके घर में जाकर पटकनी दी है, दोस्तों ये काबिले तारीफ है। और दोस्तों ये भारत है, ये हारना नहीं जानता, ये उसके घर में जाके हराना जानता है। और दोस्तों एशियन गेम्स में भारत की जीत ऐसे ही बरकरार रहे। और दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप भी भारत की इस जीत से कितने हैप्पी हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू।